बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निज़ाम टीवी के प्रोग्राम मेज़बान और मेहमान के साथ आपका होस्ट एजाज ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की शख्सियत हमारी पहले भी हमारी इनके साथ नशस्तें हो चुकी हैं। हमें इनके जो सबका प्रोग्राम थे उनमें हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से मिला और इस चीज़ की हमसे काफ़ी सारे लोगों ने दोबारा इस शख्सियत से इंटरव्यू करने के लिए हमें रिक्वेस्ट की। तो आज की शख्सियत तारुफ तो पहले हो चुका है और ये किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, मेहर काशिफ यूनुस साहब जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंतहाई वेल ग्रूम्ड और वेल एजुकेटेड शख्सियत हैं और लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी में एक बड़ी नुमाया मकाम रखते हैं। तो आए आज आपको काशिफ मेहर साहब से मिला। जी काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब। एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन ने हमसे बड़ी इस चीज़ की फरमाइश की थी कि वो जो मैजिक वर्ड्स रखने वाली शख्सियत है उसके साथ मज़ीद उनसे आप प्रोग्राम करें हमें उनके बारे में और कुछ जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके बारे में आप हमें बताएं। तो काई साहब हम बजाय कोई और बातें करें बराह रास्त हम मौजू की तरफ आते हैं जी। तो ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकॉनमी है वो कोई इतनी हौसला अफजा उसकी कोई कंडीशंस नहीं है। तो जाहिर है इकॉनमी का बराह रास्त ताल्लुक हमारी इंडस्ट्री के साथ होता है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, वो उसमें सर्कुलर डेट है, उसमें फिजिकल डेट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे पर, कर्जों का बहुत बड़ा बोझ है। तो आप देखें कि मैं आपसे ये देखूंगा कि जो हमारी जो रेवेन्यू में कलेक्ट होते हैं ना वो बड़े ही उसके साथ कहना पड़ता है कि वो रेवेन्यू इतने होते हैं कि जो हमारे कर्जों के ऊपर जो हमने लिया हुआ है और वो रेवेन्यू जो हम कलेक्ट करते हैं जो हमारी मैस डेवलपमेंट में यूज़ होना है वो हमें इंटरेस्ट की मद में जो हमें देना होता है वो तकरीबन उसके ऊपर हमें वो कलेक्शन होती है जी। और ये सारा कमज़ोर इकोनॉमी की वजह से है। तो ये ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल है, कि हम छोटे वक्त में किस तरह से हम अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो जाएं, क्योंकि 45 में आपने जर्मनी और जापान का देखा हाल, 10 साल में वो कौमें अपने पाँव पे खड़ी हो गई। तो ज़रा बताएं कि इस तरह के फार्मूले हमें भी बताएं और आवाम को भी और हुकूमत को भी बताएं ताकि ये हमारी इकानमी जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई और जितना भी मैंने लोगों से पूछा, इंडस्ट्रीज से मुलाकातें हुई, एग्रीकल्चर से मुलाकातें हुई और सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनसे सब मुलाकातें हुई, तो सबसे पहले जो आंसर है वो जो इंसान के दिल में खौफ पैदा कर रहा है ना काम करने का और जो इंसान को डीमोटिवेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी को जो डीमोटिवेट कर रहा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये एक इतना बड़ा हवा बन गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कोई भी कारोबार करने वाला, तजारत करने वाला, इन्वेस्टर सब लोग डर गए और वो नहीं चाहते कि वो अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान का इन्वेस्टर और पाकिस्तान से बाहर का इन्वेस्टर। तो इसलिए ये बात तो अब पक्की है और ये जो फिलोसफी के जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ इकॉनमी तरक्की नहीं कर सकती और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद पॉलिसी का तसलसल, कोई भी ट्रेड पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी है, सर्विसेज की पॉलिसी है, आईटी की पॉलिसी है, जो मर्जी पॉलिसी जैसी मर्जी पॉलिसी है उसका तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर पॉलिसी का तसलसल, तो इन दोनों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए अब हमारे सियासतदानों को, हमारे जो पिलर्स ऑफ द नेशन हैं जितने भी हैं पिलर्स ऑफ द नेशन, इन सबको सोचना होगा कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जल्द से जल्द और कैसे लेकर आनी। जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त आपने बात की कि
जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात, हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी शायसा रहेगा। जी। आपने बड़ी अच्छी बात की। अब इंडस्ट्री के हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप देखें कि चाइना या मलेशिया या तुर्की और भी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, इन ममालिक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से सनदकारों को फैसिलिटेट किया और उनको अट्रैक्ट किया, और ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो देखा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है जी। और इस इंडस्ट्री की वजह से एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो इसके साथ अटैच हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, लेबर है, और इसके अलावा बहुत सारी यानी कि ब्रिक्स वगैरह सारे, इससे बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड कैनवस आता है। जी जी। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस मुल्क में वो प्रमोट किया जाए, और ताकि जो एक तो रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ निकले, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो एक इस वक्त तो डूबती हुई इकोनॉमी है वो अपने पाँव पर खड़ी हो। जिस वक्त दुनिया के बाकी ममालिक ने जिनका हम नाम ले रहे हैं उन्होंने इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया, वो हालात को छोड़ते, अब इस वक्त अगर पाकिस्तान इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहता है तो अब पहले ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो पैदा हो गया, जो फूड क्राइसिस पैदा हो गया, ये अब हमें इन हालात के अंदर अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है, और अब ये आम हालात नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद आपको पॉलिसी का तसलसल, उसके बाद फिर एक नया जो महाज है जिसको हमें अबूर हासिल करना है, वो है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी तसलसल के साथ मसलसल और कम कीमत चीप एनर्जी के साथ, उसके बाद फिर है तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर तालीम की कमी हो, शूर की कमी हो और वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी हो, तो वहाँ भी इंडस्ट्री जो है वो क्वालिटी और प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर उसके बाद ये काम भी हमें करने हैं कि हमें तालीम के ऊपर प्रोफेशनल तालीम, प्रोफेशनल नॉलेज, मास्टर डिग्रीज और जो फंक्शनल नॉलेज की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी है, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए एचआर, ज़बरदस्त किस्म की एचआर जो है वो इंडस्ट्री को मिल सके, ह्यूमन रिसोर्स मिल सके। और इसके बाद फिर हुकूमत की एक्सपोर्ट पॉलिसी और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों प्रोडक्शंस के अंदर, यानी कि जो हम रवायती तौर पे जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री उस पर बहुत ज़्यादा इनसार करते हैं, इसके साथ साथ हमें और इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को भी साथ जोड़ना है, ताकि टेक्सटाइल के साथ साथ बाकी इंडस्ट्रीज़ की भी एक्सपोर्ट हो सके, और ख़ास तौर पर आईटी, क्योंकि आईटी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ख़ास अहमियत की हामिल है, क्योंकि आईटी के साथ फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है, और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स तमाम के तमाम आईटी पे और इंटरनेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई उस पे चल रहे हैं। तो अब लिहाजा पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब दुनिया मुख्तलिफ है, हम पहली वाली जो थी ना वो ट्रेन मिस कर गए, अब जो नया सफ़र है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, और मुमकिन इस तरीके से होगा जिस दिन से हम इसका आगाज़ करेंगे। तो लिहाजा हुकूमत को सर जोड़ के अपने स्टेक होल्डर के साथ मिल के बेहतरीन किस्म के जो मयारी पॉलिसीज़ हैं वो जो मैंने आपको बताया, इन लवाजमात के साथ सारी वो पाकिस्तान की आवाम को देनी होगी, ताकि पाकिस्तान की आवाम मेहनती है, पाकिस्तान की आवाम के पास पैसे हैं, पाकिस्तान की आवाम के पास जुरत है, हिम्मत है और मेहनत करने की सलाहियत है। तो इंशा अल्लाह अगर गवर्नमेंट और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर इसके ऊपर तवज्जो दें और इस पर काम करें, तो इंशा अल्लाह पाकिस्तान भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की सफ़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आईटी से रिलेटेड ही था, आपने उसको खुद ही इंडस्ट्री से, आईटी इस वक्त आप देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आईटी बहुत ज़्यादा एक अपना इंडस्ट्री में ना मकाम हासिल कर चुकी है। जी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप कोरिया और इंडिया और इसी तरह से बहुत सारे और ममालिक भी हैं, ये आईटी में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखें कि हमें ना सिर्फ कि हमें कोई एक्सपर्ट्स
और बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड के अलावा हमें स्किलफुल लेबर की भी बड़ी ज़रूरत है, जी जी, जो आईटी में भी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर्व कर सके, जी जी। लेकिन वो इसके निचले लेवल आज भी देखें कि इंटरमीडिएट में पंजाबी पढ़ाई जाती है जी, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, साइकल इस तरह के सब्जेक्ट की जो अब वो नहीं इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो इस तरीके से हमें अपनी तालीमी पॉलिसी को भी असर नो उसको तरतीब देना चाहिए, ताकि हमें आज काम करेंगे तो हमें 10 साल के बाद 15 साल के बाद वो लोग आगे आके तो प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे। तो आप ये बताएं कि इस तरह इस सिलसिले में एजुकेशन के शोबे में किस तरह से एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ले गवर्नमेंट, ताकि इस इंडस्ट्री को करना तो हमारे मैथ्स ने, जो मैथ्स हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्होंने करना है। यहाँ पे वो एक बंदा जवान होता है तो वो धक्के खा रहा होता है, आखिर उसका ये होता है किस तरीके से मैं पाकिस्तान से बाहर बाय हुक और बाय क्रूक इलीगल वे से मैं निकल जाऊं, पैसे दे के या डिंकी मार के निकल जाऊं। इस सिलसिले में आप बताएं, ये बड़ा ये वाबस्ता है सनद के साथ, हमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज तो यहीं से लेने हैं। हमारे पास 60% से ज़्यादा नौजवान हैं जी जी, और औरतों को भी आप इस तरह से वुमेन के शोबे को भी आप बताएं किस तरह से यूटिलाइज किया जाए अपनी इस्लामिक वैल्यू को फॉलो करते हुए। अभी माशाल्लाह आपने एक ही सांस में 5-6 सवाल कर लिए। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पिछला सवाल किया था उसका जवाब नहीं हो सका, उसके बाद फिर आपने आईटी की बात की, उसके बाद फिर आपने हायर एजुकेशन की बात की, उसके बाद फिर आपने सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन की बात की, उसके बाद फिर आपने वुमेन जो पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान में उसकी बात की, उसके बाद आपने जो यंगस्टर्स हैं जो कि अभी तालीम से फारिग हुए हैं और वो उसकी आप बता रहे हैं कि 60% पाकिस्तान की आबादी बन जाती, आपने उसकी बात की। अब इन सब को आपस में जोड़ना, वो इन सब का आपस का ताल्लुक है। पहले दुनिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आईटी के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो गई है, लोगों को सहूलतें ज़्यादा मिल रही हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो रही हैं। तो अब जो जनरेशन है, जो अब आने वाला वक्त है, वो सहूलतें मांगता है, वो आसानियाँ मांगता है, क्योंकि वक्त जो है वो थोड़ा है और तरक्की करने की जो चाहत है वो ज़्यादा। तो उसकी वजह से आईटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है और एक सोल्यूशन दिया जा रहा है कि थोड़े वक्त में अच्छी क्वालिटी की जो कंस्ट्रक्शन है वो की जा सके। और फिर जो उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद जिन लोगों ने एज ए दफ्तर के तौर पे, ऑफिस के तौर पे, एज ए इंडस्ट्री के तौर पे, एज ए रेजिडेंस के तौर पे उस कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करना है, तो वो आसान हो उसका इस्तेमाल और उसकी रिपेयर मेंटेनेंस आसान हो। तो लिहाजा आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना होगा। इसके लिए बाकायदा की पॉलिसी देनी होगी, मटीरियल्स, ऑल्टरनेटिव मटीरियल्स के ऊपर वर्किंग करनी होगी। यानी कि इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है करने के लिए, हमने कुछ भी नहीं किया और हम एक एक दिन एक एक साल की तरह हमें पीछे लेके जा रहा है। दूसरी आपने बात की एजुकेशन की, तालीम और तरबियत इंसान के अंदर शऊर पैदा करती, इंसान के अंदर सब्र और तहमुल मिजाजी पैदा करती, इंसान के अंदर आगे बढ़ने की चाहत पैदा करती। लेकिन आज तक हम पिछले 50 सालों में यही तौहीन नहीं कर सके कि हमें इस्लामिक तालीम को ज़्यादा लेकर चलना है, मैथमेटिक्स को साथ लेकर चलना है, साइंस को साथ लेकर चलना है, टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है, अभी उर्दू को लेकर चलना है कि अंग्रेज़ी को लेकर चलना है। तो अभी तब तो हम तो ये बेसिक चीज़ें ही जो है ना वो अभी तक जो है ना उसका फैसला नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हर साल हम अपने सिलेबस को, हर 3-4 साल के बाद सिलेबस को बदलते हैं। तो लिहाजा हमें ये फैसला करना है कि हमें जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी रवायात, अपनी दीन को साथ रखते हुए, साइंस को साथ रखते हुए, मैथ को साथ रखते हुए, अपने तमाम अलूम जो जदीद अलूम हो उनको साथ रखते हुए हमने अपनी तालीम और तरबियत का सिलेबस तैयार करना है। और अपने जो यंगस्टर पॉपुलेशन है, ख़ासकर जो वुमेन पॉपुलेशन है, इसके अंदर करेक्टर बिल्डिंग करनी, अपनी तालीम और तरबियत के अंदर ऐसा अंसर पैदा करना है कि इंसान बाकरदार जो है वो मार्केट में आए, वो चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे वो किसी का एम्प्लॉय बने, चाहे किसी का वो फ्रीलांसर बने, चाहे वो किसी का सहूलतकार बने, तो एक बाशऊर और बाकरदार इंसान हमने पैदा करना है। उसके लिए हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से लेकर चलना है। और इसके बाद हमें हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, हायर
वोकेशन ट्रेनिंग हाई टेक एजुकेशन के साथ हमें मार्केट में आना है, हमें हाई टेक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन मास्टर डिग्रीज के साथ अपनी जो यंगस्टर्स हैं, अपनी जो यंग पॉपुलेशन है उसको तैयार करना है ताकि वो माशरे का मुफीद और कारआमद कारकुन बन सके। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी माशरे की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी इकोनमी की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके साथ कई दर्जनों जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाबस्ता होती हैं। इसके साथ अर्बनाइजेशन की साथ 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 हम छोटे शहर आबाद कर रहे होते हैं, गांव आबाद कर रहे होते हैं, उनको खुशहाल कर रहे होते हैं, वहाँ एजुकेशन, वहाँ हॉस्पिटल्स, वहाँ यूनिवर्सिटीज़, वहाँ इंडस्ट्री लग रही होती है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी इकॉनमी का एक ख़ास हिस्सा होती है। अब जितने भी आपने डेवलप कंट्रीज़ के नाम लिए, सब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सहारा लेकर अपने आप को डेवलप कंट्रीज़ बनाया है, और जो 100 फॉर्च्यून कंपनीज हैं मोर देन 50% का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ है। तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री, इसके दरमियान में तमीज़ करनी होगी। हमने अपने माशरे को, अपनी इकॉनमी को फाइल इकॉनमी नहीं बनानी, हमने वहाँ पैसे पार्क नहीं करने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, और साथ हमने प्लॉट्स को, ज़मीन को डेवलप करना है, वहाँ हॉस्पिटल्स बनाने, वहाँ स्कूल्स बनाने, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनानी, वहाँ जो जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो जो के रेजिडेंट्स के लोगों को रहाइश के लिए हमने जो हाई राइज बिल्डिंग प्रोवाइड करनी है, हमें वहाँ हाउसिंग स्कीम्स लोगों के लिए, जो छोटे घर हैं जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो हमने बनाने, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी। इंडस्ट्री भी कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा, कंस्ट्रक्ट होती है तो बाद में वो चलती है। तो इसलिए हमें बड़े शहरों के साथ छोटे शहर बात करने, और जो गांव हैं उनको गांव के मिजाज के मुताबिक डेवलप करना है। तो ये है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सहारा लेकर पूरी दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हो रही। जी नाज़रीन, आपने देखा कि काशमेर साहब ने कितने एक मौसर अंदाज से बताया कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए सेपरेट प्लान बनाने चाहिए, और हमें अपनी जो यूथ है उसको बड़े एक मौसर अंदाज से ट्रेंड करना है ताकि वो आने वाले वक्त में हमारे मुल्क की जो भाग दौड़ को संभाल सके और इस मुल्क को डेवलपिंग कंट्री से निकाल कर डेवलप नेशंस में ले सके। बहुत शुक्रिया मेहर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। बहुत शुक्रिया।